वक्रतुंड महाकाय सूर्यमोती समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूतगणाधिशेषतम कपिच जंबूफल चारु भक्षण उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिव शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन लाल देह लाल लस हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलहन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। जय 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 श्री श्याम की विनय करो कर जोड़ और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। कीर्तन करवाना हो तो अब जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। Thank you.
मधुबनी प्रहलाद जी प्रहलाद प्रहलाद इसका इको को ठीक करो ना यार। और उधर मॉनिटर नहीं है क्या? सामने काट दिया। उधर नहीं आ रहा। आ रहा है। आ रहा है। हाय मॉनिटर है। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखना तार की, आप बैठो ना गुरु जी आएंगे, गुरु जी बैठ जाएंगे, तब तक आप बैठ जाओ गुरु जी बैठ जाएंगे। शुरू करें, पहले बताओ बात कौन कौन करेगा। देखो भीड़ हो गई अच्छी बात है, लेकिन नियंत्रित भीड़ होनी चाहिए। अगर भीड़ कीर्तन के लिए आप आदि गए और कीर्तन में आकर भी अगर आप हल्ला गुल्ला करोगे तो फिर आप नहीं आते तो ये अच्छा होता। आप आए हो जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, शांति से कीर्तन करो। बाबा के निज दरबार में कीर्तन हो रहा है। आसन सोल प्रहलाद रोज को समझाना पड़ेगा क्या? समझ में नहीं आता कि इतना इको मत दो। आसन सोल ने रानीगंज दुर्गापुर बुधबुद बर्दवान मेमारी तिरंगी मोड़, आप लोगों ने सबने इतिहास रच दिया प्रेमियों। आज तो ऐसा लग रहा था कि रिंगस से खाटू की कोई पदयात्रा, रिंगस से खाटू का रेला चल रहा है। हालांकि मैं तो एक इंच भी दायां बायां नहीं हुआ, लेकिन लोग आगे आगे बोल रहे थे कि अभी एक किलोमीटर आगे बाबा की सवारी एक किलोमीटर पीछे थी और एक किलोमीटर आगे तक बाबा के लोग बाबा के भक्त बाबा के निशान चल रहे थे। हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करके भी आपकी सेवा भाव को छोटा नहीं करना चाहता है, लेकिन ये जो भाव आप लोगों के हैं ये भाव बाबा बनाए रखे। बस इतना ही कहूंगा कि इस यात्रा में जो जिस रूप में भी शामिल हुआ बाबा ने उसको देखा है, जो जिस रूप में भी इस यात्रा में शामिल हुआ बाबा ने उसको देखा है, तो बाबा की कृपा जरूर होगी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि काफी दिनों के बाद परम आदरणीय श्याम जगत के सिरमौर 20 साल बाद 30 साल बाद हम कह सकेंगे कि बिन्नू जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, हम लोगों ने साक्षात उनको मिला, हम देखा उनको। आज कोई कहता है श्याम बहादुर जी महाराज के बारे में, मातृदत्त जी के महाराज के बारे में, मैंने तो आलू सिंह जी महाराज को भी नहीं देखा। तो मन में आता कि काश हम उस समय होते, 20 साल बाद ये गर्व तो हम कर सकते हैं 25-30 साल बाद कि हमने ऐसे भक्त को देखा जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से बाबा की निस्वार्थ सेवा करी और जिनके भजनों को गाकर न जाने कितने लोगों का बाबा से जुड़ाव हुआ। ये कृपा मुझ पर हुई, ये गुस्ताखी मैंने की इनके भजनों को गाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम कि मैं उनको अंजाम दे पाया कि नहीं दे पाया, लेकिन मेरे दिल में बहुत से भजन ऐसे जो कि अंतरात्मा में रंग गए। मैं शुरू वहीं से करूंगा
इसलिए शुरू नहीं करूंगा कि बिनु जी यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि इसलिए शुरू करूंगा उस भजन से कि वो भजन डिजर्व करता है और उस भजन को श्याम जगत ने माथे पर लिया, सिर पर बिठाया उस भजन को, इसलिए इस भजन से शुरुआत करना चाहता हूँ। शायद जितने भी श्याम प्रेम इस दरबार में बैठे हैं सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये भजन है, इसलिए सब मिलकर गाना। कौन आ रहे हैं कौन जा रहा है, अगर उसको देखने में लगोगे ना तो बाबा भी बगल से निकल जाएगा, नहीं आएगा आपके पास। बस आप तो ये इंतजार करना कि बाबा कब आपको देख ले, और बाबा सिर्फ उसी को देखेगा जो बाबा का भजन करेगा। क्यों चाचा जी दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, सीने से लगाया किसको किसको, पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे, और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना दिलदार मुझे प्रेम
देखो इनको चेयर की व्यवस्था करानी है।
लेकिन पीछे जगह हो गई है, पीछे पीछे घसक, पीछे पीछे घसक जाओ ना। अब जो कहीं भी जो जहां पर है ना वहीं पर बैठा दो, चाहे वो पद यात्री हो चाहे वो नॉर्मल यात्री हो, ठीक है। साचे दरबार की हेल 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 आवाज उठाओ, वॉल्यूम उठाओ, जो कुछ हो आज जब सब संभाल मेरी ये मन न भटक जाए।
बस इतना ध्यान रहे कोई दाग न लग जाए, बस इतना ध्यान रहे कोई दाग न लग जाए, बस रंग न हो जाए जो रंग चढ़ाया Thank you.
आपको एक बात बताऊं, परसेंटेज होना चाहिए 40 म्यूजिक और 60 वोकल। आपको भी दुनिया से जाना है और मुझे भी दुनिया से जाना है। दुनिया सवाल भी पूछती है कि क्या कमाया तुमने, तुमने क्या कमाया। वो सिर्फ रुपये पैसे की कमाई और बैंक बैलेंस की कमाई समझते हैं, उन मूर्खों को नहीं पता कि हमने क्या कमाया। आपने 100 करोड़ कमाए होंगे, 200 करोड़ कमाए होंगे, 500 करोड़ कमाए होंगे, 1000, 2000, 5000 करोड़ कमाए होंगे, लेकिन प्रेमियों आपके जाने के बाद आपके बच्चे हो सकता कि आपके फोटो को माला पहनाएं और अगरबत्ती दिखाएं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं, और 100% मान लेना कि तीसरी पीढ़ी ऐसा करेगी गारंटी नहीं है। लेकिन हमने क्या कमाया पता है, हमारी औलाद हमें याद करे ना करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बाबा ने सेवा ले ली, जो इनसे भजन लिखवा लिए और जो हमसे भजन गवा लिए, वो हमारे बच्चे शायद सुने ना सुने, लेकिन श्याम प्रेमी जरूर सुनेंगे, 20 साल बाद भी सुनेंगे, 50 साल बाद भी सुनेंगे और 100 साल बाद भी सुनेंगे। ये हजारों करोड़ से बड़ी कमाई है प्रेमी। इसलिए मेरी अरदास है, मेरा अधिकार है आप पर, ये मेरा अधिकार है, और मैं आशा करूंगा कि अभी 60 दिन बाकी है यात्रा के, मैं आशा करूंगा बाबा के लिए सबसे पहला भजन। अब ये तो बाबा लिखवाएगा, आप तो लिखोगे नहीं, लेकिन आप मन में करोगे कि हाँ बाबा मुझसे लिखवा, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने सोचा कि जब भैया से सामने मिलूंगा तभी बात करूंगा, आज मंदिर में बाबा के मैं इंतजार करूंगा एक ऐसा भजन जो सबसे पहला आप मुझे लिखकर आप दोगे और मैं उसे बाबा के लिए गाऊंगा। आइए बोलिए सच्चे दरबार की, बाबा से इतना ही कहा, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना। जिस दिन आपको लगे कि मैं आपके चरणों के काबिल नहीं, कसम श्याम की, कसम आपके बाबा, एक मिनट एक्स्ट्रा जिंदगी मत देना, उसी समय जिंदगी खत्म कर देना, क्योंकि वो जिंदगी जिंदगी नहीं जो आपके प्यार के बिना जी जाए, वो जिंदगी कभी भी काबिल नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है, किसको किसको ऐसा जीवन चाहिए, पूरे हाथ उठाना और मिलकर छोड़कर तालियां बजाकर क्या बोलोगे, प्रभु बनाए Bye.
तालियां सुनाओ। निर्बल के बल हो हार के साथी, हर दीपक में तेरी बानी, हर दीपक में तेरी बानी। ये दीपक किसको कहा था? दीपक किसको कहा? आप जितने भी बैठे हो ये सब दीपक है और मेरा श्याम उसके बाती है। कौन कौन चाहता है कि ये दीपक इनकी समाधि से जाए? पूरे हाथ से तालियां।
मंदिर में कीर्तन के लिए आ गया। असल में अगर प्रेम है तो किसे कहते हैं? मुझसे क्यों छीन लिया उसने? आंसू जरूर आए, उनको क्या जिसने सुना उसके आंसू आए। लेकिन बाबा से ही कहा, बाबा आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बदिन साचा बोलिए।
you. Mike. बाबा तुम सा दयालु देव बोलो ना बाबा तुम सा दयालु देव बदल देता तो किस्मत बात झूठी नहीं है बाबा तुम सा दयालु कौन कौन मानता है कौन कौन गाओगे ना बाबा तुम सा दयालु लोग कहते हैं बाबा बाल तेरा निराला लोग
Thank you.
आई प्रीमियम एक महामंत्र भैया हेलो क्या करो ट्रेन कौन सी ट्रेन कलकत्ता जाना ट्रेन लेट एक भजन बस आखिरी है ना क्या यार हम लोग 1800 किलोमीटर माँ बाप बुला रहे हैं तुम 250 चले जाना वापसी आइए वो भजन है आलू सिंह जी महाराज भगत जी का सबसे प्रिय भजनों में से एक भजन और हमेशा कहते थे कि ये भजन नहीं महामंत्र है और मेरी जिंदगी में तो सच बने ये भजन जिस दिन से ये भजन गाए उस दिन से बाबा ने जिंदगी का मोड़ मोड़ दिया आइए आप भी मिलकर गाइए अभी तक जो नहीं गया मत जाना 10 मिनट की बात है 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ने वाला बोल सांचेरे दरबार देखो भाई अलबत्ता तो ट्रेन मिलेगी और ट्रेन छोड़ भी जाए ना तो ऐसा नहीं टेलीफोन कर देना आपके लिए बाबा गाड़ी का अरेंजमेंट करेगा आप गाड़ी से आपकी जिम्मेवारी बाबा की है सब साधन मिलेंगे आपको ठीक है नहीं लेकिन क्योंकि आपको भी पता है सब थके हुए होंगे और आज अभी बाबा का तिलक छापा भी होना है आज खाटू में भी बाबा का तिलक छापा हुआ और यहाँ पर भी आज बाबा का तिलक छापा होगा 5 घंटे 6 घंटे कितने लगेंगे पता नहीं फिर सुबह सुबह जल्दी निकलना है इसलिए आगे कल सुबह दर्शन जरूर कीजिएगा 9 बजे सुबह बाबा के आज सावन रूप का दर्शन किया कल तिलक छापे का दर्शन कीजिएगा फिर विदा कीजिएगा बाबा को और एक बात और बताऊँ प्रेमी हर जगह बोलता है हम ये यात्रा सिर्फ थैंक्स करने के लिए है बाबा कि बाबा कला भवन परिवार पर आपने कृपा करी 50 साल तक बच्चों पर मेहर करी हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए पैदल चल रहे हैं रास्ते में जो जो आपको देखेगा वो आपका दीवाना बन जाएगा बस इसी आशा से कि यह कारवां और बढ़ता चला जाए एक चीज जरूर कही बाबा से जब कलकत्ते से निकला था बाबा इस यात्रा का जितना भी फल हो सबसे ज्यादा जिसको दरकार हो उसको देना आखिर में मुझे देना बाबा दिल से कहता हूं बिना किसी डिमांड के यात्रा कर रहे हैं डिमांड क्या करें यार अगले 100 जन्म का अभी दे दिया अगले 100 जन्म का अभी दे दिया अब इनसे क्या डिमांड करें हम तो बोनस में जी रहे हैं एक नौकर नौकरी करता अपने मालिक के जब दिवाली में 2 महीने का बोनस जब मांगता है तो मालिक का चेहरा देख लेना कैसा हो जाता है ये मालिक हम लोगों को ऐसा मिला फिर भी मैं भी नौकरी करता था मैंने की है नौकरी 200 रुपए की फिर 300 की और नौकरी करते वक्त उस नगर सेठ के जितने ताने सुनने पड़ते थे महसूस करता हूं लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी मुझे जगत सेठ मिल गया पता है ये कभी ताने नहीं देता ये कभी ताने नहीं देता वो सेठ तो महीने पूरा होने के 15 दिन बाद भी बड़ी मुश्किल से 200 रुपए देता था ये रोज बोलता है नेम नौकरी ले ले नौकरी ले नौकरी ले बस प्रेमियों जो मेरे यंग सीधा बैठे हैं पैर दर्द रोज सुबह सिर्फ इतना कह दिया करो बाबा तू मेरा और मैं बिंदु जी का भजन भी है मैं हूं तुम्हारा
तुम हो तुम सान प्यारा कोई तुम सान प्यारा कोई तुम हो समुंदर मैं बूंद तेरी तुम हो समुंदर मैं बूंद तेरी तुम हो समुंदर मैं बूंद तेरी तुमसे अलग क्या है पहचान बहुत भटका बाबा हर अपने ने दगा दिया हर अपने ने अब तो मेरे कोई नहीं थे मेरे सात पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था कि खाटू कहाँ है और खाटू वाला कौन है अपने जिस दिन से हाथ पकड़ा मैं हर रिश्ता भूल गया हर रिश्ता भूल गया अपनी कोशिश जरूर करता हूं कि मैं अपना फर्ज निभा दूं लेकिन आज अब किसी से नहीं है कि कोई मेरा मेरे काम आएगा क्योंकि रात को 3 बजे भी अगर कोई काम आया तो तू आया और दिन में 12 बजे भी कोई काम आया तो तू जो कुछ भी पाया मैंने जो कुछ भी पाया मैंने तुमसे मिला वो भजन जिसको भगत जी महामंत्र कहते थे सब मिलकर गाए हैं जी भाई Oh,
बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो गई, पूरी यात्रा तक छठी भाई बहन चैनल लाइव चलेगा और रोज आपको कीर्तन सुनने को मिलेगा। और आज आसनसोल में ये प्रोग्राम बना है, अगर बाबा की इच्छा हो गई तो परसों से रनिंग यात्रा भी लाइव देखने को मिल सकती है। Oh, my God.